हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सिक्स दिसंबर 2020 तो so 6 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आप लोग जो वीडियो लाइक कर रहे हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल दैट यू पीपल द वीडियोस आपको देखो पसंद तो आता ही है इंटरनली आपको पता है कि दिस इज द बेस्ट कंटेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन तो आप उसको लाइक क्यों नहीं करते हो आप उसको लाइक किया करिए एंड उसको शेयर किया करिए अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल सो आर द टू थिंग्स दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड की आप उसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन विथ टूडेज क्वेश्चन ऑफ द डे पहला सवाल जो आज का है आपको जिसका आंसर करना है दिस इज रिगार्डिंग योर विच ऑफ द फॉलोइंग हैविनपोज अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी इनमें से कौन सी बॉडीज हैं जिनको कि प्रपोज किया गया है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी ऑप्शन आर फर्स्ट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेकेंड इज द अवैधिक एजुकेशन बोर्ड थर्ड इज नेशनल असमेंट सेंटर परख तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविन प्रपोज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑप्शन आर वन एंड टू ऑनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली या ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू इज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि इंडिया का पहला कंप्रेस्ड कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये बस का कौन से स्टेट ने लॉन्च की है ऑप्शन आर ए तमिलनाडु बी केरला सी उड़ीसा या डी राजस्थान

के आगे बढ़ जाओ तो पहला जो क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें सेकंड वाली बॉडी नहीं बनाई जा रही है वैदिक एजुकेशन बोर्ड के बारे में मैंने क्या आपको बताया कभी नहीं बताया ना तो ऐसी बॉडी कोई नहीं बनाई जा रही तो दूसरे को छोड़कर वन एंड थ्री विल बी दी आंसर सी सेकंड क्वेश्चन पूछा था इंडिया के पहला कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस नेचुरल गैस बस किस स्टेट ने लॉन्च किया ऑप्शन है केरला बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस तीसरा क्वेश्चन पूछा वेर इज डिया मेंटीना ट्रेंच द करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन लोकेटेड है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो देखोग ऑस्ट्रेलिया अगर मैप है तो यहां पर डिया ट्रेंच लोकेटेड है ठीक है ना याद रखना है आपको ठीक है और इधर साइड पैसिफिक है तो पैसिफिक में आपको कौन सी मिल जाएगी मैरियाना ट्रेंच है ना मैरियाना ट्रेंच फिर आपको पैसिफिक में मिलती है तो ये आपको याद रखना है दीज आर द थिंग्स विच यू विल रिमेंबर मैप ऑफ द डे में जो मैप आज मैं आपको दिखाऊंगा वो मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का कल हमने फिजिकल पोलिटिकल देखा था आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप दिखाएंगे बहुत ही प्यारा मैप है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले हम ऊपर से नॉर्थ से शुरू करते हैं देखो नॉर्थ में अगर हम देखें जस्ट इसके वाटर बॉडीज जो बाहर हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एशमोर एंड कार्टियर आइलैंड सबसे पहले ऊपर देखो एशमोर एंड कार्टियर आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे ठीक है ना फिर यहां पे Uh, देखो यहाँ पे तिमोर सी दिख रहा है कल भी मैंने आपको टाइमोर सी तिमोर सी दिखाया था ये देखो तिमोर सी है देन आगे आराफूरा सी देर इज आराफूरा सी तो आपको ऐसा लोकेशन याद रहे तिमोर सी है तिमोर सी के बाद आपका आराफुरा सी है इस तरीके से याद रहना चाहिए फिर उसके बाद गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर ये क्वेश्चन है और आपको ऑप्शंस दे दिया ताइमोर सी देन आपको दे दिया गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया और देन आपको दे दिया आ, सी तो आप कैसे देखेंगे कि सबसे जो वेस्टवर्ड है वो ताइमोर सी है फिर आपका उसके वेस्टवर्ड आपका आराफूरा सी है उसके ईस्टवर्ड सॉरी और फिर उसके ईस्टवर्ड आपका गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है तो सबसे वेस्टवर्ड ताइमोर सी फिर सी और उसके बाद आपका गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिख रहा होगा फिर यहाँ पे आपको देखो मैं दिखाता तो हूँ यहाँ पे आगे फिर जैसे आगे आओगे यहाँ पे कोरल सी है देर कोरल सी एज वेल ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है क्वींसलैंड जो है पहले है वॉटरबॉडीज वाले, वाले पार्ट बता दिया नीचे देखो तो नीचे जो ये वाला पोर्शन है जो गैप बनता है जो ये कर्व बनता, यहाँ पे आपका फिजिकल फीचर है इंपॉर्टेंट है याद रखना इस चीज को ठीक है फिर कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि सिटीज जरूर याद रखना जैसे पर्थ याद रखना है आपको है ना पर्थ मैंने बताया था ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है इंपॉर्टेंट पर्थ इंपॉर्टेंट है उसके अलावा मैंने आपको बताया था नदर टेरिटरी में डारविन इंपॉर्टेंट है है ना फिर मैंने आपको बताया था कि इधर साइड आपका क्वींसलैंड इंपॉर्टेंट है देन मैंने आपको बताया था सिडनी और कैनबरा इंपॉर्टेंट है है ना न्यू साउथ वेल्स वाले पार्ट में विक्टोरिया वाले पार्ट में मेलबर्न है वो इंपॉर्टेंट है फिर मैंने आपको तस्मान सी दिखाया था तस्मानिया दिखाया था और यहां पर तस्मानिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट है बास स्ट्रेट है बास स्ट्रेट बिटवीन तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको बास स्ट्रेट मिल जाएगा दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद रखना है फिर अब देखते हैं डेजर्ट वाले बहुत है डेजर्ट्स बहुत हैं जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट देखो मिल जाएगा इज अ ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज अ अटिपन डेजर्ट डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है है ना ये इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट है ये डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट है ग्रेट सैंडी डेजर्ट गिप्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये तीनों याद रखना की ऑस्ट्रेलिया में ही है और नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करना पड़े तो ग्रेट सैंडी ऊपर फिर गिप्सन और फिर ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी गिप्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया फिर उसके नीचे और फिर ये प्लेन्स नीचे नीचे है नुल्लार बोर प्लेन्स याद रखिएगा नुल्लार बोर ये बिलो दिस। तो जो नीचे है, इसको याद रखिएगा फिर यहां कि फ्लाइंडर्स रेंज कहां पर है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में ही है ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में ही फ्लाइंडर्स रेंजेस आपको मिल जाएंगे है ना यहाँ पे यह देख लिया आपने फिर आपको मैं क्या दिखा दूँ और इंपॉर्टेंट चीज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर आपसे पूछे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर पूरा मैप अगर ये है तो ये ये जो आपको ये ब्राउनिश दिख रही है ना ये रेंजस जो दिख रही हैं ये, ये जो रेंजस दिख रही हैं ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंजस हैं दीज आर द ग्रेट डिवाइडिंग रेंजस है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है जैसे कि आ, रिवर्स एंड वो कौन-कौन सी हैं देखो रिवर्स मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यहाँ पे आपको ये रिवर दिख रही है कि ये नीचे जब आप आओ विक्टोरिया और ये न्यू साउथ वेल्स वाले रीजन में ये मुर्रे रिवर है देखो ये मुर्रे रिवर है और ऊपर आपको यहाँ पे ऊपर एक और रिवर मिलेगी ये डार्लिंग तो मुर्रे एंड डार्लिंग दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस पार्ट देखो मुर्रे ये है और ये डार्लिंग रिवर का फेज है तो मुर्रे रिवर एंड डार्लिंग रिवर ये मुर्रे तो बहुत बड़ी है यहाँ पे बहुत ज्यादा दूरी तय करके आती है तो मुर्रे रिवर देख लिया एंड डार्लिंग रिवर देख लिया ठीक है ना फिर डार्लिंग देखो ये ऊपर और आपको मिल रही होगी है ना ये ऊपर है ये यहाँ पे भी देख लिया आपने तो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर देयर और uh, कुछ और अपन दिखाते हैं मैं एक इम्पोर्टेंट लेक ढूंढ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा फेमस है और मेरी फेवरेट है लेक डिसअपॉइंटमेंट दिस लेक डिसअपॉइंटमेंट इज देयर जो कि यहाँ गिफ्टन डेजर्ट के जस्ट ऊपर आपको लेक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है तो इस लेक में आपको वैसे कभी नहीं जाना है इस लेक में आप सिर्फ तभी जाइए जब आपके छः अटैम्प्ट हो जाएं और आपका सिलेक्शन ना हो तो एक बार लेक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होके आ जाइए है ना दिस इज द थिंग विच यू कैन डू तो वैसे आपको जाना ना पड़े भगवान करे किसी को ना जाना पड़े इस लेक में दिस इज़ लेक डिसअपॉइंटमेंट एंड फिर uh, बाकी लेक यहाँ पे देखो लेक मैके है लेक मैकडोनाल्ड एंड लेक हॉपकिंस मैके मैकडोनाल्ड एंड हॉपकिस दीज आर द्री लेकिन इस तरह से नॉर्थ साउथ लोकेटेड है यह भी अपन ने देख लिया दीज आर दिंग्स विच आर देयर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द फिजिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसके फिजिकल मैप में आपको क्लैरिटी है पर्थ डार्विन मेलबर्न सिडनी कैनबरा इनकी लोकेशन फेमस सिटीज इनकी लोकेशन देख लें ना ब्रिजबेन इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ये ब्रिस्बेन है ब्रिस्बेन के जस्ट ऊपर सनशाइन कोस्ट भी आपको दिख जाएगा सनशाइन कोस्ट भी देखो दिख जाएगा ऊपर ही है और फ्रेजर आईलैंड इज अनदर थिंग जो कि उसके ऊपर है फ्रेजर आईलैंड उसके ऊपर है, है ना और यहाँ पे हाँ एक और चीज़ लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया आपको तीन आईलैंड जो कि नॉर्थ से साउथ है देखो यहाँ पे मिडिल्टन आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का फिर एलिजाबेथ आइलैंड है लॉर्ड होवे आइलैंड है एंड बाल बाल्स पिरामिड ये चार आइलैंड नॉर्थ से साउथ है इनको याद रखो कैसे याद रखोगे मिडिल्टन आइलैंड सबसे ऊपर है फिर एलिजाबेथ फिर लॉर्ड होवे आइलैंड एंड देन आपका बाल्स पिरामिड याद रखिएगा मिडिल्टन एलिजाबेथ लॉर्ड होवे एंड आपका बॉल्स पिरामिड तो मेल्ब मेल्ब याद रखना है मेलबर्न होता है ना मेलबर्न तो मेलबर्न से ही आप याद रखना एम ई एल -E बी मेलबर्न से ही आप एम ई एल बी याद रख सकते हो ठीक है ना दिस इज थिंग विच यू कैन रिमेंबर मिडिल्टन आईलैंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया एलिजाबेथ आईलैंड लॉर्ड होवे आईलैंड एंड आपका बॉल्स पिरामिड तो मेलबर्न से ही याद रखना है मेलबर्न जैसा ही इसका कोड है एम ई एल बी उसी तरीके से याद रखना विल यू रिमेंबर दैट आपको याद रहेगा ना है ना और अगर ये ओशियन देखो है तो ओशियन पैसिफिक है फिर ये मतलब कि ये ईस्टर्न साइड में है तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया ना तो पैसिफिक ओशियन में है ठीक है और यहाँ पे देखो न्यू कैलेडोनिया दिख रहा है न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रेंच का है ये भी याद रख सकते हैं कि न्यू कैलेडोनिया जो ऊपर लिखा वो फ्रेंच का है तो न्यू कैलेडोनिया आपका फ्रेंच की है तो ये भी आप याद रखने याद रखना मेल मेल भी याद रखना मिडिल्टन एलिजाबेथ लॉर्ड होवे एंड बी से आपका बॉल्स पिरामिड तो ये नॉर्थ से साउथ चार एल ग्रुप और मैंने आपको बताया तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मैप था आई एम थैंकफुल टू द टीम मेंबर जिन्होंने ये मैप मुझे प्रोवाइड करवाया वेरी वेरी थैंक्स टू यू क्योंकि बहुत ही प्यारा मैप था आई वॉज मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस अब आते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में काफी अच्छा पेपर है आज का बहुत सारी न्यूज आइटम्स आपको मिलेंगी तो थोड़ा ध्यान से कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और अच्छे से न्यूज एनालिसिस सुनिए ठीक है ना स्टार्ट करते हैं पहली जो न्यूज है वो है इंडिया सेट टू बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन तो कोविड नाइनटीन की जो वैक्सीन होंगी उनका सबसे बड़ा बायर जो है वो इंडिया निकल के सामने आएगा क्यों क्योंकि इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया उनमें आठ सौ मिलियन जो डोजेस है लगभग आठ मिलियन मिलियन लोग हैं जिनके लिए लगभग सोलह मिलियन डोजे की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि आपको पता है कि एक वैक्सीन के दो दो दिए जाएंगे और लगभग 1600 वैक्सीन के डोजेस पॉपुलेशन कवर करनी है, तो इंडिया की 60 क्यों करनी है? क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है तो साठ से सत्तर को आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा है ना साठ से सत्तर को वैक्सीनेशन देने के लिए ही यह बेसिकली व्यवस्था की जा रही है अब इंडिया ने 500 मिलियन जो डोज है वो एस्ट्राजेनका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कैंडिडेट है उसके लिए दिया है देन यूएस का नोवा वैक्स नोवावैक्स जो कंपनी की वैक्सीन है उसको 100 मिलियन डोसेज का दिया है देन जो कैंडिडेट है गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया उसको दिया है तो ये अलग अलग हमने गामेलिया यूएसए का नोवावैक्स फिर एस्ट्राजेने ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है उसको तो अलग अलग वैक्सीन के तहत हमने कोलेबोरेट कौ, कौ, किया है किसी से पांच मिलियन किसी से सौ सौ मिलियन अलग अलग डोजेस हम ले रहे हैं ठीक है ना एंड इंडिया विल सेट टू बी द लार्जेस्ट वैक्सीन बायर सबसे बड़ा वैक्सीन बायर ही बन के सामने आएगा ठीक है ना अगली जो न्यूज है वो है ट्रिब्यूनल पुलिस ऑफ एन ओवर ग्रीन कवर अब ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कान खींचे हैं किसके एन एच ए आई को पुल सब मतलब कान खींचना तो कान खींचे एन एच आई के बोले भैया आप लोग इतने बड़े बड़े वादे करते हो कि ग्रीन कवर होगा ग्रीन हाईवे होगा ग्रीन कॉरिडोर होगा वो सब दिखता नहीं है सो मतलब वो रंग केवल पेपर में हरा दिखता है ऑन फील्ड अगर आप देखेंगे तो ये सब नहीं है तो ये बेसिकली कहा है अब आपको थोड़ा सा मैं एन एच ए आई के बारे में बता दून एनजीटी तो आपको याद हो गया होगा रट गया होगा कंठस्थ हो गया होगा अब आपको बताना है थोड़ा एन एच ए आई के बारे में एनएचए देखेगा इंडिया की ऑटोनॉमस एजेंसी है बनी थी 1988 में 1988 में ये बनी थी एनएचएआई आपकी एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ओवर 50000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। तो इंडिया में जो लगभग 50000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का नेटवर्क है उसको देखता है ठीक है ना आ, आ, उसको एनएचआई देखता है ओवरऑल जो नेटवर्क है लगभग 1 लाख पंद्रह हजार किलोमीटर का है इंडिया में इट इज द नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, के अंतर्गत की नोडल मिनिस्ट्री नो, नो, नोडल बॉडी भी है एंड दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेम्बर रिगार्डिंग योर एन एच ए आई एनजीटी तो आप सबको पता है एनजीटी एक्ट दो हजार दस से बनी थी इंडिया तीसरी कंट्री है जिसके पास एनजीटी है ऑस्ट्रेलिया पहली थी न्यूजीलैंड दूसरी थी एनजीटी इज नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जीरो एट बट दी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस

एमपीज़ रेस कंसर्न ओवर एग्जेमशन इन द प्राइवेसी बिल अब क्या हुआ कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 हजार आया है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अगेंस्ट कुछ एम पीज है जिन्होंने की शिकायत की है क्यों देखो मेन उनका कहना यह है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो डेटा की प्राइवेसी की सेंकटिटी को मेंटेन करने के लिए डेटा की प्राइवेसी की सेंकटिटी को मेंटेन करने के लिए ठीक है अब इसमें एक प्रोविजन ऐसा है जिसमें यह बोल दिया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया देन आपका पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इन अलग अलग प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो सस्पेंड कर सकती है एक्टिविटीज को ठीक है ना वो सस्पेंड कर सकती है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को फॉर एनी इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो प्रोविजन है प्राइवेसी और सेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हैं उनको एग्जाम्पन्स दे सकती है मतलब कि किसी भी बॉडी को फिर किसी प्रकार के डेटा को लेने यूज करने का पावर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एम पीज ने यही कंसर्न दिया है कि भाई फिर तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल का मेन एम uh, था वो एक तरीके से किसी काम का ही नहीं रहेगा अगर आप उस तरीके से क्लॉजेस डाल दोगे तो कोई भी चीज आप सॉवरिंटी ऑफ इंडिया पब्लिक रिलेशन पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इनके नाम पे आप किसी का भी डेटा इधर उधर कर सकते हो बेसिकली दैट इज द थिंग दैट हैज बीन रेज इन दिस आर्टिकल आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग है ना आगे मूव करते हैं स्टे यहाँ पे पार्लियामेंट प्रोजेक्ट सेट फॉर लॉन्च तो पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट है मैंने बताया था आपको नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है ये सारी चीजें जो बन रहा है वो अब लॉन्च होने वाला है उसका भूमि पूजन हो जाएगा ठीक है ना 22 महीने का लगभग प्लान रहेगा जो कि ये रहेगा सो दैट इज द थिंग विच यू विल रिमेंबर स्टेट्स विद स्ट्रेस्ट ग्राउंड वाटर टॉप इन द सीरियल ट्रेड अब स्टडी एक हुई है रिसेंटली जिसमें ऐसे स्टेट्स जहाँ पे ग्राउंड वाटर की कमी है वही टॉप कर रहे हैं सीरियल ट्रेड में अब देखो यहां पे लिखा है स्टेट्स विद क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर स्टेट्स विद क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर रिजर्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्टी वन परसेंट और नियरली थर्टी एट पॉइंट सिक्स मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक सीरियल ट्रेड ओके तो लगभग जो स्टेट क्रिटिकली ग्राउंड वाटर कंडीशन में है वो इकतालीस परसेंट यानी कि थर्टी एट पॉइंट सिक्स मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक सीरियल ट्रेड करते हैं ठीक है ना this worked out to be nearly 39 of the groundwater is used in producing the cereal trading cereals among the states. अब इन cereals को produce करने में लगभग 48 percent groundwater का use हुआ है, जो ये ये trading के लिए use हो रहा है ना 48 percent उसको उसको produce करने में मतलब ये ट्रेडिंग के टर्म्स में ये निकाला गया है वाटर की क्वालिटी क्वांटिटी ट्रेडिंग के टर्म्स में निकाली गई है कि उस क्रॉप्स uh, को सीरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग थर्टी नाइन परसेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज बीन यूज्ड अब यहाँ पे देखो लिखा है कि ट्वेंटी वन परसेंट जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सीरियल्स है वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सिक्स स्टेट्स विथ क्रिटिकल टू सेमी क्रिटिकल ग्राउंड वाटर स्टेटस ठीक है ना क्रिटिकल टू सेमी क्रिटिकल ग्राउंड वाटर स्टेटस याद रखिएगा इस चीज को कि जो सबसे अधिक क्रिटिकल कंडीशन में ग्राउंड वाटर के केस में वही सबसे अधिक सीरल ट्रेडिंग के भी है तो सीरल्स जो है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आप सबको पता होना चाहिए हाफ द एनर्जी दैट एन एवरेज इंडियन गेट्स फ्रॉम हिज डाइट इज बिकॉज ऑफ द सीरल हाफ ऑफ द एनर्जी दैट एन एवरेज इंडिविजुअल गेट्स इज फ्रॉम द सीर इसको याद रखिएगा ठीक है ना अब देखो एक चीज आपको यहां पर देखो यहां पे लिखा हुआ है विद इन दम राइस एंड वीट डोमिनेट द दल प्रोडक्शन इंडिया में जो सीरल है उनमें सबसे अधिक जो है वो राइस और वीट का प्रोडक्शन होता है एंड दे आर नोन टू बी वेरी वाटर कंजम्पटिव क्रॉस बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम भी करते हैं अब देखो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाटर क्रिटिकल वाली कंडीशन वाले स्टेट्स है कौन से है ना ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए तो क्रिटिकल वाटर याद रखेगा कौन कौन से स्टेट्स में है सबसे अधिक जो है वो तमिलनाडु फिर उसके बाद सबसे दिखे जो राजस्थान में फिर आपका उत्तर प्रदेश में फिर आपका तेलंगाना में फिर आपका पंजाब में फिर आपका हरियाणा में याद रखिएगा ये स्टेट्स हैं जो कि आपका बेसिकली वाटर स्केयर्स वाले रीजन है जिसमें ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है गुजरात भी है गुजरात में भी बहुत ज्यादा पानी की कमी है है ना तो ये भी क्रिटिकल है कंडीशन में ही है याद रखिएगा ये लिख लीजिए तमिलनाडु है फिर राजस्थान है उत्तर प्रदेश है तेलंगाना है पंजाब है हरियाणा है इसके अलावा गुजरात भी आप लिख सकते हैं ये वाटर वॉटर क्रिटिकल लेवल पे जहाँ पे ग्राउंड वाटर है ना ये वो स्टेट्स हैं तो इनको याद रखिएगा ना तो वही है कि ये भी मैंने आपको बता दिया है स्टेट्स के नाम जरूर याद रखना एंड इम्पॉर्टेंट है हाउ ऑस्ट्रेलिया चाइना टाइज हिट अ न्यू लो अब यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है वो इस समय बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं के बारे में है कि क्यों गए हैं सबसे पहला तो है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच पर ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है क्यों चल रहा है ट्रेड डिस्प्यूट चल क्यों चल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया मैं स्टार्ट बता दो स्टार्ट से बताता हूं इस पॉइंट को लिखते जाइए पहला पॉइंट क्या है ऑस्ट्रेलिया ब्लैक लिस्टेड हुआवी एंड जेट टी ई फ्रॉम बींग इन्वॉल्व इन द रोल आउट ऑफ फाइव जी नेटवर्क पहला पॉइंट तो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने हुआवी को और जेड टी ई जो वहां का नेटवर्क है चाइनीज इन दोनों को बोला कि भैया आप फाइव जी के लिए नॉट अलाउड आप आपकी एंट्री मना है ठीक है ना फिर दूसरी चीज सेम ईयर ऑस्ट्रेलिया पास अ न्यू फॉरन इंटरफेरेंस लॉ दैट वॉज वाइडली बींग सीन एज एम डेट चाइना चाइना पे एम करता हुआ एक उन्होंने फॉरेन इंटरफेरेंस लॉ निकाला फॉरेन इंटरफेरेंस लॉ निकाला जिसमें उन्होंने बेसिकली ये जो वाइड स्प्रेड चाइनीज इन्फ्लुएंस हो रहे थे उनके ऊपर उन्होंने कमेंट कसा था ठीक है ना तो एक ये दूसरा हो गया ठीक है ना वाइड स्प्रेड फॉरन इन्फ्लुएंस लॉ जो उन्होंने निकाला ये एक दूसरी चीज थी ठीक है ना देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है टारगेटिंग द चाइनीज ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी अक्लेम डिसमिस्ड बाय द बीजिंग तो मतलब कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आ, एक तरीके से आ, बीजिंग की जो मीडिया थी उसने उसको रेसिज्म भी कहा था क्योंकि चाइनीज कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था बेसिकली एंड दैट वॉज द थिंग दूसरा ये हो गया तीसरा जो है दीज क्रैक्स वर वाइडेंड इंटू अ रिफ्ट लिया इन अप्रैल कॉल्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन टू दिजिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने बोला एक तरीके से ने चाइना को ही टारगेट किया और डब्ल्यू एच ओ को कहा कि भैया वुहान से कैसे आया कैसे नहीं आया तो मैंने आपको तीन पॉइंट बता दी अभी तक पहला आपको बताया मैंने पॉइंट को फाइव जी से मना करना दूसरा मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइनीज कम्युनिटी जो चाइनीज ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी थी उसके ऊपर टारगेट किया फॉरन इंटरफेरेंस लॉ के रूप में उन्होंने किया तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब कोविड नाइन्टीन हो तो अप्रैल में उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन का चेकिंग, चेकिंग करोगी कैसे वुहान से आया कौन सी कंट्री थी रिस्पॉन्सिबल तो यहाँ पे भी चाइना को यह लगा कि उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है फिर उसके बाद बीजिंग ने भी शुरुआत कर दी जैसे बीजिंग करता है तो रिटेलिएशन में बीजिंग स्टार्टेड प्यूनिटिव इकोनॉमिक मेजर्स प्यूनिटिव मतलब कि पनिशमेंट देने के हिसाब से उन्होंने किया बैनिंग मीट इंपोर्ट फ्रॉम फोर ऑस्ट्रेलियन प्लांट्स चार ऑस्ट्रेलियन प्लांट्स से उन्होंने जो मीट का इम्पोर्ट है उसको बंद कर दिया एंड इम्पोज एटी तो अस्सी दशमलव पांच बार्ले के ऊपर अस्सी दशमलव पांच परसेंट टारगेट किया है उन्होंने मतलब वो किया है इंपोज किया है टैरिफ को एंड बार्ले जो है इट इज अ मेजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट बार्ले जो है दैट इज अजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट तो ये आप याद रखिएगा दिस इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको मैं और पॉइंट बताता जा रहा हूँ ये सारे लिखते जाओ इनको दिमाग में बिठाल लो कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में रिलेशन पूरा हंकी नहीं चल रहा पूरा उल्टा सीधा चल रहा है ठीक है ना तो इसको याद रखना आगे देखो दिस ब्रॉडन इंटू अ वाइडर ट्रेडिंग डिस्प्यूट अब ये और ज्यादा वाइड कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया ने इनिशिएट किया ऑन इट्स ओन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इंटू चाइनीज स्टील ऑस्ट्रेलिया ने यह बोला कि जो चाइनीज स्टील है उसकी डंपिंग की जा रही है चाइना इज डंपिंग स्टील इन टू स्टेटरी और यह तो बिल्कुल सही बात है करता ही करता है ऑस्ट्रेलिया तो ये पांचवा पॉइंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज रिलेशनशिप को बिल्कुल बता रहा है कि कितने नीचे चले गए हैं कितने ज्यादा नीचे चले गए हैं ठीक है ना फिर चाइनीज कंपनी वहां पे चाइनीज कंपनी ने भी वही किया उन्होंने और रिटेलिएशन में कुछ कुछ चीजें की तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि कुल मिलाकर जो रिलेशन ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में दे आर एट अ न्यू लो और ये बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं अब देखो यहां पर एक और टर्म था देखो यहां पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा यूके एंड यूएस इन पांच कंट्रीज को याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान इधर रखो सब लोग है ना तो ये पांच जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा यूके एंड यूएसए इनको फाइव आईज बोला जाता है दे आर एज द फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस अगर आपसे कोई पूछे कि फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस के पार्ट कौन कौन से हैं तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा यूके एंड यूएसए याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा यूके यूएसए दीज आर द फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस याद रखेगा फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस और इन्होंने क्या किया कि हांगकॉन्ग में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके खिलाफ कंसर्स भी रेस किए थे तो ये भी चाइना को अच्छा नहीं लगा तो दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना इन सारी चीजों को ओवीएल स्ट्राइक्स ऑयल इन कोलंबिया सीपीओ 5 ब्लॉक अब ओ विदेश लिमिटेड जो हमारे यहाँ की ओएन की फॉरेन आर्म है ओ विदेश लिमिटेड उसने एक ओवरसीज ऑयल की खोज कर लिए खोज की है दे हैव डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंट ऑयल डिस्कवरी कोलंबिया में की है कोलंबिया में ऑयल की डिस्कवरी की है और ये क्या है आपका देवर ड्रिलिंग एंड अप्रेजल वेल

अब ये हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि जीएसटी का कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी कंपनसेशन क्या है जीएसटी जब एक्ट आया दो में उसमें यह बोला गया कि अगर आप लोगों को कल, जो आपका कलेक्शन है फोर्टीन परसेंट से कम होता है मतलब कि जितना होता था उसके प्लस फोर्टीन परसेंट से कम होता है तो जितना कम रहेगा उतना कंपनसेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ना कंपनसेट करेगा फॉर द फर्स्ट फाइव ईयर इनिशियल फाइव ईयर के लिए वो कंपनसेट करेगा लेकिन दो तक के लिए कम्पनसेट करेगा बट अभी हुआ क्या कोविड नाइन्टीन के टाइम में पूरा कम कम हुआ सब कुछ कम हुआ प्रोडक्शन कम हुआ ग्रोथ कम हुई तो गवर्नमेंट क्या थी अब आनाकानी कर रही थी पैसे देने में तो जब जो कंपनसेशन था वो लगभग दो लाख करोड़ का हो गया था टू पॉइंट थ्री फाइव लाख करोड़ का कंपनसेशन देना था तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई एक तरीका ये है कि टू पॉइंट थ्री फाइव लाख करोड़ में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि बाकी तो हम दे देंगे लेकिन वन पॉइंट वन लाख करोड़ आप लोग को बोरोइंग करनी पड़ेगी आपको बोरो करना पड़ेगा मतलब आपको री पे बैक करना है तो वन पॉइंट वन लाख करोड़ उन्होंने बोरो के लिए बोला और बाकी जो बचा था वो वो दे देंगे है ना बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी काले चोर नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ भी ये यह भी आपको याद रखना है दिस द थिंग विच यू कैन रिमेंबर तो पहले तो स्टेट्स ने बोला कि भाई हम क्यों बोरो करें हम नहीं बोरो करेंगे ये है वो है हमारे ऊपर डेट बढ़ जाएगा ये है लेकिन झारखंड लास्ट स्टेट था जो कि नहीं मान रहा था उसने भी मान लिया तो अब ये चीज़ आगे सही हो जाएगी अंगोला इन्वाइट्स इंडिया टू माइंड डायमंड अगली जो न्यूज़ है वो है अंगोला ने इन्वाइट किया है इंडिया को कि भैया आओ और हीरे निकाल के ले जाओ तो अंगोला इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स अंगोला क्या है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स का इन अफ्रीका एंड इट हैज ओनली एक्सप्लोर्ड 40 परसेंट ऑफ द डायमंड रिच टेरिटरी अभी तक अंगोला ने अपने केवल 40 परसेंट डायमंड रिच टेरिटरी को एक्सप्लोर किया है एंड उसमें ही अंगोला इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन अफ्रीका एंड अब उसने इंडिया को अनाउंस किया है कि आप आइए और डायमंड निकालिए ले जाइए ठीक है ना तो अब देखते हैं क्या होता है आगे मूव करते हैं चैलेंजेस इन अचीव ंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन जो आज का साइंस एंड टेक वाला पेज है उसमें देखते हैं चैलेंजेस इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन क्या क्या चैलेंजेस हैं हर्ड इम्यूनिटी लाने में वैक्सीनेशन के थ्रू सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो जैसा मैंने बोला कि 60 से 70 परसेंट तक आपको लोगों को इम्यूनाइज़ करना पड़ेगा तब तो आपको हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो पाएगी ठीक है ना हर्ड इम्यूनिटी आपको पता है ना कि जब मतलब 50 परसेंट से ज़्यादा ग्रुप एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो बाकी लोगों को फिर वो इन्फेक्शन कम होता है कैसे होता है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ जैसे सपोज चार लोग हैं अगर चार लोग हैं और केवल एक व्यक्ति को हुआ है सपोज are फोर पीपल एंड इन चार लोगों में केवल एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो वो कितने लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा सकता है वो तीन लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा सकता है देर आर थ्री पीपल जिनको वो इम्पैक्ट पहुंचा सकता है बट अगर चार लोग हैं और चार में से तीन व्यक्तियों को हुआ है और एक को नहीं हुआ तो अब ये कितने ये तीन मिलकर कितने को इम्पैक्ट पहुँचा सकते हैं केवल एक को इन्फेक्शन पहुँचा सकते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन है जो आर नॉट होता है आर नॉट क्या होता है नंबर ऑफ इन्फेक्शन अ पर्सन कैन स्प्रेड वो डिक्रीज हो जाता है पहले केस में एक व्यक्ति तीन लोगों को पहुंचा सकता था आर नॉट वहां पे थ्री था और दूसरे केस में आर नॉट इक्वल्स टू वन था क्योंकि तीन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन था तो वो तीन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता केवल एक को ही कर सकता था तो वहां पे आर नॉट इक्वल्स टू तो यही वैक्सीनेशन में भी है था। तीन जब तीन लोग को, को वैक्सीनेशन रहेगा और एक को नहीं भी अगर हुआ वैक्सीनेशन तो भी वो व्यक्ति इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा दैट पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी ऑन इट्स ओन इसी को हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं यही कंसेप्ट होता है हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट ठीक है ना इसको याद रखिएगा सो दैट इज द थिंग तो यहाँ पर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं पहला जो इशू है वो ये है कि इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन इम्यूनिटी उन केसेस में ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाता है जिस केस में आपको ट्रांसमिशन का मोड और ट्रांसमिशन का पैटर्न पता हो लेकिन सार्स कोरोना वायरस टू का सबसे बड़ा दिक्कत यह कि इसमें पैटर्न और ट्रांसमिशन का समझ ही नहीं आ रहा है किसी को कि ट्रांसमिट हो कैसे रहा है ठीक है ना तो पहला जो इशू है वो ये है दूसरा जो इशू है वो ये है कि सपोज आपको दो डोज देने हैं अगर किसी भी वैक्सीन के दो डोज देने हैं तो सत्तर परसेंट जनसंख्या को भारत में अगर सत्तर परसेंट जनसंख्या को आपको देना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको क्योंकि वो चेन सप्लाई चेन कैसे आप मेंटेन कर पाओगे किस तरीके से आप प्रोवाइड कर पाओगे वैक्सीन सत्तर जनसंख्या को भारत की बिगर चैलेंज

वैक्सीन कोरोना वायरस की है यह आपको हर एज ग्रुप में टारगेट करनी पड़ेगी इनफैक्ट जो आपके ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं उनको भी आपको देना पड़ेगा को मॉर्बिड वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको भी देना पड़ेगा तो ये आपको एक बनाना लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स लगेंगे इसमें बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल चैलेंज बहुत सारे आपको आएंगे तो लॉजिस्टिकल चैलेंज भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे इसके अलावा यह भी आपको देखना है कि आप किस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को चूज करोगे पहले कौन से ग्रुप को रखोगे कौन से ग्रुप को नहीं रखोगे तो यहां पर आपका एथिकल चैलेंज आएगा दिस इज एथिकल चैलेंज कि कौन से ग्रुप को आप दे रहे हो कौन से ग्रुप को आप नहीं दे रहे हो किस ग्रुप को आप इंक्लूड कर रहे हो किसको आप नहीं इंक्लूड कर रहे हो दीज आर द थिंग्स विच आर नीडेड इसके अलावा वी आर नॉट प्रोबेबली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स और रिस्क ऑफ वैक्सीनेटिंग दोज ऑलरेडी दोड जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन उनको वैक्सीन देने का क्या फायदा नुकसान है यह भी किसी को नहीं पता तो दिस इज अनदर थिंग तो आगे मूव करते हैं ये तो हमने देख लिया अगली जो न्यूज हम है थाई रिसर्चर्स रेयर ब्राइट्स वेल स्केलेटन थाईलैंड के जो रिसर्चर्स हैं उनको एक नया स्केलेटन मिला है और इस स्केलेटन को हम ब्राइड वेल बोलते हैं ब्राइड वेल ब्राइट्स वेल आ, वे, का फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड ओल्ड आपको वो मिला है पांच हजार साल पुराना ब्राइड वेल का इसके लेटन मिला है। ब्राइड वेल को याद रखिएगा ट्रॉपिकल वेल भी कहा जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राइड वेल इज ऑल्सो ट्रॉपिकल वेल क्यों क्योंकि इट प्रेफर्स वार्मर सी वाटर वार्मर वाटर को ज्यादा प्रीफर करता है दैट इज द रीजन वाई इट इज नोन एज द ट्रॉपिकल वेल एज वेल तो ब्राइड वेल ब्राइड वेल का नाम ट्रॉपिकल वेल भी है ट्रॉपिकल वेल मतलब कि क्यों क्योंकि ये वार्मर वाटर को प्रेफर करती है और कौन से रीजन में पाई जाती है ब्राइड वेल द तो पैसिफिक अटलांटिक ओशन वाले रीजन में गल्फ ऑफ थाईलैंड वाले रीजन में ये पाई जाती है इसका पांच हजार साल पुराना स्केलेटन मिला है ब्राइड वेल यानी कि ट्रॉपिकल वेल याद रखिएगा अगली जो न्यूज है है वो इन टाइगर फ्रॉम मालेनद मालेनद अब Malenad में हुआ और वहाँ पे 70 से तीन सौ इक्यानवे और जब आप आंसर राइटिंग ना तो अगर टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर लिखना हो तो मालेनद का डाल देना पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज फ्रॉम सेवेंटी टू थ्री नाइन तीन सौ इक्यानवे बढ़ गया मालेनद कहां पर है मालेनदर्नाट कर्नाटका याद रखेगा मालिना दिज इन कर्नाटका दे आर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इंक्रीज फ्रॉम सेवेंटी टू थ्री नाइनटी वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू विल रिमेंबर दैट एक क्वेश्चन ये कैन एनिमल्स अदर देन रीग्रो देर टेल क्या एनिमल्स अदर देन रीग्रो देर टेल तो यहाँ पे ऑथर ने बोला यस देर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल एलिगेटर्स जो यंग एलिगेटर्स है दे हैव शोन द एबिलिटी टू रीग्रो देयर टेल्स तो यंग एलिगेटर्स हैव द एबिलिटी टू री देयर टेल्स ये एक रिसर्च में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया आई होप यू विल रिमेंबर दैट आगे जो न्यूज है वो है कास्ट इन द सेंसस। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है कास्ट इन द सेंसस। नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अ कमीशन टू फॉर्मुलेट मेथडोलॉजी टू कलेक्ट कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स। कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स को कलेक्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि कमिटी को किया जाएगा ठीक है ना ताकि फुल हेड काउंट विद द कास्ट निकल सके अब वैसे सेंटर कंडक्ट करता है 2011 में कंडक्ट किया था एस ई सी सी यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सेंटर ने भी कास्ट के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया था 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम से लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये डेटा की फाइंडिंग्स हैं कंपोनेंट्स हैं उनको रिलीज नहीं किया था पब्लिक में रिलीज़ नहीं किया था ठीक है ना एंड कर्नाटका में भी सिमिलर एक्सरसाइज की गई लेकिन वो रिलीज नहीं की गई अब देखो ऑथर ने क्वेश्चन पूछा इस कलेक्शन ऑफ कास्ट डिटेल्स इन 1941 तो 1931 तक कास्ट की डिटेल्स से भी सेंसस में ली जाती थी 1941 से ये बंद कर दी गई क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए उस समय उसको बंद कर दिया गया एंड सेंसस कमिश्नर थे एमडब्ल्यू एम ये उस समय उन्होंने कहा था कि कास्ट डिटेल सेपरेटली अगर करते तो उसमें एडिशनल कॉस्ट लगती इसलिए हमने उनको नहीं किया याद रखिएगा अब यहां पे अगर आप देखो तो एक और फैक्ट लिखा हुआ है वैसे मैं आपको आगे बता देता हूँ हैज देयर बीन क्रिटिसिज्म ऑफ इंक्लूडिंग कास्ट इन द सेंसस द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टेकिंग कास्ट पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज दैट इट टू टेंट द कास्ट सिस्टम ऑथर ने कहा है कि अगर हम कास्ट डिटेल्स सेंसस में लेने लगे तो वो परपिचुएट कर देता मतलब कि वो सोसाइटी के बहुत अंदर इंट्रेंच कर देगा कास्ट सिस्टम को जे एच हटन यानी कि जो सेंसस कमिश्नर थे 1931 में ही नोट्स दैट ऑन द अकेजन ऑफ ईच सक्सेसिव सेंसस 1901 सम क्रिटिसिज्म हैज बीन रेज्ड अबाउट टेकिंग एनी नोट ऑफ द कास्ट तो जे एच हटन ने कहा था कि 1901 के बाद हर बार जब भी सेंसस हुआ है कास्ट के प्रति कोई ना कोई सवाल जरूर उठाया जा रहा है ठीक है ना देर आर क्रिटिसिजम्स गोइंग ऑन और एक एक और चीज उन्होंने कही है कि कास्ट ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम है नहीं सोसाइटी में है अगर तो उसको कलेक्ट करो और एक फैक्ट ही है वो और अगर आप उसको नहीं कलेक्ट करते हो तो दैट इज अस्ट्रेचलाइक अप्रोच वो एक फिर शुतरमुर्ग वाली अप्रोच होती है कि आप फिर मतलब कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको भी आप नहीं इंक्लूड कर रहे हो और उसके सर फेर रहे हो है ना दैट इज द थिंग इंडिपेंडेंस के बाद क्या व्यू था तो आर ए गोपाल स्वामी द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया याद रखेगा पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल कौन थे आर ए गोपाल स्वामी ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ही सेड इनटीन फिफ्टी वन दैट द नाइनटीन फिफ्टी वॉज नॉट इम्फेसिस इन ओरिजिन टू कंसर्न इट द विदेश रिगार्डिंग कास्ट रेस एंड ट्राइस

और स्पेशल ग्रुप्स हैव बीन एक्सप्लेन टू रिफर टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंग्लो इंडियंस एंड अदर सर्टेन कास्ट ट्रीटेड प्रोविजनली एज बैकवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द सेंसस तो याद रखिएगा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब और जो एंग्लो इंडियंस थे प्लस कुछ ऐसी कम्युनिटी जिनको बैकवर्ड ट्रीट किया जाता था पहले उनको ही बस इंक्लूड किया जाता था अदर देन दैट कोई ऐसा डेटा स्पेसिफिकली कास्ट के लिए नहीं इंक्लूड किया जाता है ठीक है ना तो अभी का क्या स्टेटस है द डिटेल्स ऑफ एस सी एस टी आर कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ सेंसस अदरवाइज अदर कास्ट आर नॉट नॉट इन्यूमरेटेड बाकी की जो कास्ट है उनको इन्यूमरेट नहीं किया जाता दिस इज द करेंट स्टेटस इसको आप याद रखिएगा ठीक है ना SEC 2011 क्या है सोशियमिक्स दो हजार ग्यारह का क्या है तो सोशो कम्युनिटीज अलग अलग कम्युनिटीज का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? उनके बारे में डेटा इकट्ठा करना था एंड uh, बाकी चीजें आप देख लीजिए 2011 में टू uh, दो कंपोनेंट थे अ सर्वे ऑफ द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड हाउस होल्ड बेस्ड ऑन द प्रीसेट पैरामीटर्स एंड कास्ट सेंसस तो ये चीजें थी बेसिकली इसके अंदर दो दो चीजें थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत क्या क्या थी अ सर्वे ऑफ हाउ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड एंड रैंकिंग ऑफ दिस हाउस होल्ड बेस्ड ऑन प्री सेट पैरामीटर्स एंड प्री सेट पैरामीटर्स ये पहली चीज और दूसरी चीज है कास्ट सेंसस तो ये दो चीजें की गई थी अंडर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 इसको तो याद रखिएगा दिस इज वेरी हेक्टिक एंड इसको याद रख सकते हैं हम हनी इंडस्ट्री एंड इट्स बिटर स्वीट रियलिटी अब हनी इंडस्ट्री क्या है बेसिकली अभी इशू मैंने आपको बताया था कि केवल तीन ही कंपनीज थी जिन्होंने कि हनी में जो आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग थी उसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग एन टेस्ट था उसको पास किया था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट किया जाता है फूड कंपोनेंट्स को देखने के लिए उसमें शुगर मिला हुआ पाया गया हनी की अलग अलग वेराइटीज़ में ठीक है ना क्या कोई प्योर हनी नाम की चीज़ होती है ऑथर ने कहा कि नहीं प्योर हनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ठीक है ना और इनके स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ये आर्टिकल आप उसे पढ़ सकते हैं दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई होप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है इसको आप अगर पढ़ जरूर सकते हो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट लिखे हुए हैं हनी के एक है सी थ्री टेस्ट और एक है सी फोर टेस्ट देख लेना सी थ्री एंड सी फोर टेस्ट बेसिकली एडल्ट्रेशन के लिए होता है सी थ्री टेस्ट एंड सी फोर टेस्ट हनी एडल्ट्रेशन के लिए टेस्ट होता है देखा जाता है कि राइस से एडल्ट्रेशन है कि शुगर से एडल्ट्रेशन है ये देखने के लिए तो ये होता है अब यहाँ पे एक और न्यूज़ीलैंड में एक

सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कास्ट इन द सेंसस पूरा चीज़ देखी दूसरी हमने हानि इंडस्ट्री का थोड़ा सा मैंने बताया पूरा नहीं बताया कैन एनिमल्स रीग्रो देयर टेल्स बताया फिर मैंने ब्राइड वेल के बारे में बताया मालिनत के बारे में बताया वैक्सीनेशन और उसमें होने वाली समस्याओं के बारे में बताया हर्ड इम्यूनिटी की अंगोला ने इंडिया को इन्वाइट किया डायमंड के लिए वो बताया सी कोलम्बिया का सी पी ओ ब्लॉक बताया झारखंड जी एस टी कम्पन्सेशन बताया ऑस्ट्रेलिया चाइना टाइज बताई स्ट्रेस ग्राउंड वाटर बताया पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट बताया Uh, data production bill bataya and these are the things which i told you today and that is it for the day i hope you liked our video please do like share and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice